ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਵਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ना तेरे जिया होर दिसदा। तो हम आए हैं रोहिणी वेस्ट के यूनिटी वन मॉल में और यहाँ पे 4 फ्लोर की पार्किंग होने के बावजूद हमें पार्किंग सबसे टॉप फ्लोर यानी कि 6 फ्लोर पे मिली, वो भी साइड में। इस मॉल की खासियत सबसे बड़ी ये है कि ये मॉल मेट्रो स्टेशन से अटैच्ड है, जिसकी वजह से इसमें इतनी बड़ी पार्किंग दी गई है। 4 फ्लोर की यहाँ पे पार्किंग है और इतना बड़ा पार्किंग एरिया है कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो जाम से बचने के लिए पार्किंग का सहारा लेते हैं, पार्किंग में आते हैं, गाड़ी लगाते हैं और मेट्रो से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब मॉल से फ्री होने के बाद हम लोग गए शक्तिनगर के नागिया पार्क में, जहाँ पे हमने खूब मस्ती करी, खूब झूले झूले और खूब किया फन। शक्तिनगर दिल्ली के नागिया पार्क के जस्ट सामने कैनरा बैंक है और उसी के जस्ट बगल में मतलब कैनरा बैंक के बाहर ये भैया लगाते हैं छोले भटूरे। भैया ये जो आप जिसमें छोले दे रहे हो उसको कहते क्या हैं? ये कुल्लड़। कुल्लड़े? अच्छा कुल्लड़ वो कम। ये आप देख सकते हैं 4:15 से 7 तक कुल्लड़ वाले छोले भटूरे। क्या 4:15 4:30 आया करो? अच्छा जब होता है यहाँ तो माल एंड है, आखिरी शो चल रहा है हमारा। आखिरी शो चल रहा है? आखिरी शो चल रहा है हमारे। क्या बात है सर। आप कोई कोई वीकली ऑफ भी रखते हैं? हाँ संडे को ऑफ होता है। संडे ऑफ रहता है? संडे को ऑफ रखते हैं। पब्लिक को 4:15 से 4:15 मिलती है, 4:15 से लेकर 6 तक। 4:15 से 6। सर आप कितने पुराने लगाते हैं यहाँ पे? वैसे तो हमारे बाबूजी लगा के 30-17 साल मेरे को गई, 40 साल तो गई। सर 76 की चलन करा हुआ। सन 76? 76 जब ब्रेड वाला सन 70 का लगा हुआ है। क्या बात है, बहुत पुराना मामला। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने वाले स्पेशली आते हैं कुल्लड़ वाले छोले भटूरे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियतन सोत्रा है जी। तो कैसा लगता है, आप कुछ रिव्यू दीजिए इसके बारे में। ऑनेस्ट बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत पहले से खा रहा हूँ इनके भटूरे। काफ़ी साल हो गए इनको यहाँ लगाते हुए। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि मेरे को मिल नहीं पाते क्योंकि मैं लेट आता हूँ यहाँ पर, तो ख़त्म हो जाते हैं अंकल जी के छोले भटूरे, तो इस वजह से कई बार मिल नहीं पाते तो मैं सीधा घर चला जाता हूँ। आज मैंने देखा, मैंने कहा खा रहे हैं सब लोग, मिल गए तो मैंने खा लिए, वरना ज़्यादातर मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं इस टाइम तक। चलो कोई नहीं। वैसे भैया क्या आप क्या करते हैं आप? मैं वैसे एक्सरसाइज भी कराता हूँ और सिंगिंग का भी बहुत शौक है। अरे क्या सिंगिंग करता हूँ जागरण वगैरह में वैसे ही। बहुत बढ़िया, फिर एक लाइन सुना दो भैया। कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावा, ओ कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावा ना तेरे जिया होर दिसदा, ना
तेरे जिया होर दिसदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, ना तेरे जिया होर दिसदा, ना तेरे जिया होर दिसदा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच भैया, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो, इतना गजब गाना गाया है ना आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है, अब टेस्ट करके देखते हैं कैसे बढ़िया। सर क्या क्या डालते हैं आप इसमें, क्या क्या डालते हैं आप? खड़े मसाले होते हैं, हाथ के कटे हुए खड़े मसाले, ना टमाटर होता है ना प्याज होता है ना कुछ होता है इसके अंदर, कोई टमाटर प्याज नहीं, कुछ नहीं, केवल सादा होते हैं मसाले के, केवल कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज नहीं। कितना टाइम लगता है इन्हें बनाने में? बनाने की बात तो 4 घंटे छोड़ने लगे, 4 घंटे बनाने, 4.5 घंटे, 4 घंटे कम से कम।